हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मीनू और मीनू वैष्णवी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पोहा और आलू का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता आपकी छोटी मोटी भूख के साथ साथ आपको हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं पोहा से। पोहा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे खाने से आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जो सभी के किचन में आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए लिया है मैंने आलू। आलू को मैंने बॉईल करके लिया है, मीडियम साइज़ के आलू लिया है। अगर आपके बड़े साइज़ के आलू हो तो आप कम आलू में भी काम चला सकते हैं। इधर हमने लिया है पोहा। पोहा हमने पतले वाला लिया है। अगर आपके पास मोटे वाला पोहा हो तो आप उससे ही बनाइएगा। अब हमने ली है 3 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, जो मोटे वाला ग्रेटर होता है, हमें आलू को उससे ही ग्रेट करना है, बारीक वाले से नहीं करना है। और आलू को ठंडा करके ही ग्रेट करना है, गर्म आलू को ग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आलू के हमें लंबे लंबे लच्छे चाहिएंगे। तो चलिए फटाफट आलू को ग्रेट करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। आगे का काम हम गैस पर करेंगे। एक पैन लिया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, और इसे अच्छे से गर्म करके इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। लीजिए, जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपने आलू को डाल देंगे। लीजिए, आलू को हमने पैन में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसे हमें 2-3 मिनट तक भूनना है, ताकि आलू में जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे और ना ही नमक डालेंगे। अगर हमने नमक डाल दिया तो आलू पानी छोड़ देगा और फिर ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसे यूज़ करना है। लीजिए, मैंने आलू को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक दूसरा काम कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक छोटे वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें अपने पोहे को ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। इसमें पानी नमक कुछ भी नहीं डालना है, कवर करके इसे पीस लेना है बस। देखिए, इस तरीके से बना लिया है पाउडर। और अगर आपका मोटा पाउडर हो तो आप छन्नी से छानकर इसे यूज़ कर लीजिएगा। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। देखिए, हमने जार को साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम आधी प्याज काट कर डालेंगे, 4 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे, जिसको हम इस तरीके से तोड़कर डालेंगे ताकि पीसने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच भुने हुए चने। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप बेसन डाल लीजिए, और इसे बिना पानी के ही ऐसे ही पीसना है दरदरा। तो देखिए, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, इस तरीके से पीस लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम बनाना शुरू करेंगे फटाफट। देखिए, आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, इसे हम छुपा रहे हैं। अब हम आलू को ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े से बर्तन में। अब इसमें पोहे का पाउडर ऐड करेंगे, और अब जो हमने दरदरा मसाला बनाकर तैयार करा था वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया,
एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स की जगह आप पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, एक चम्मच गरम तेल डालेंगे। अब डालेंगे इसमें हम आधी चम्मच नमक का, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे, इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो आलू और हरा धनिया होगा उसी के मॉइस्चर से बाइंडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए हम आपके सामने ही इसे कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे कि इसमें पानी मिलाया गया है। पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है इस रेसिपी के अंदर। तो बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये बाइंड भी होने लगा है। अब हम हाथ को वॉश करके इसे बनाना शुरू करते हैं फटाफट। अब इसका हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेंगे और इसके ऐसे छोटी छोटी बॉल बनाकर रख लेंगे। आप इन्हें ऐसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपके मेहमान आए तो आप इन्हें शेप देकर फटाफट बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं सभी को बनाकर तैयार कर लूँगी, फिर दिखाते हैं आपको। लीजिए मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इन्हें सेव देंगे। अब हम दोनों हाथ पर और किचन टॉप पर भी सरसों का तेल लगा लेंगे ऐसे, अगर आपके पास चकला हो तो चकले पर लगा लीजिएगा आप। फिर इस तरह इसे रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हम किचन टॉप पर रखकर इसे एक सरा कर लेंगे। लीजिए हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है, इसी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे। लीजिए ये भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। लीजिए हमने सभी को बनाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, अब हम अपने रोल को डालेंगे इस तरह से। दो मिनट के लिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तब पलटेंगे। लीजिए दो मिनट हमने इन्हें एक साइड से सेक लिया, अब हम इन्हें पलट देंगे। देखिए हल्के ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें इस तरह से उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। जी हमारे रोल्स फ्राई हो गए हैं,
अब मैं इन्हें निकाल कर दिखाती हूँ आपको। लीजिए, हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें केचप, हरी चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।